डेंटल फैसिलिटीज हैं दे आर फंक्शनल, सो आई डोंट थिंक ऐसी बड़ी वाली बात है, बट जहाँ पे इस तरह का प्रॉपर केयर हो सकता है उसी आपने डेंटल सर्जन के पास या हॉस्पिटल में आप चाहिए जहाँ पे इस तरह का पूरा प्रिकॉशन लिया। एक किसी ने पूछा है कि देखिए अब हॉस्पिटल शुरू हो गए हैं, आउट पेशेंट शुरू हो गए हैं, तो क्या हॉस्पिटल में जाना सेफ है? देखिए अगर आपको कोई तकलीफ है जिसके लिए आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, जाना चाहिए, उसमें कोई घबराने की बात नहीं। पर मैं ये ज़रूर कहूँगा, सपोज़ करो आपकी जो ट्रीटमेंट है वो अभी चल सकता है, कोई इमरजेंसी ऐसी हॉस्पिटल में जाने की नहीं है, आजकल कई बार टेली कंसल्टेशन भी डॉक्टर करते हैं, आप उसके थ्रू भी अपना फॉलोअप कर सकते हो। हाँ अगर ज़रूरी है तो बिल्कुल इसमें ना घबराइए, आप अपने हॉस्पिटल जाइए, वहाँ पे पूरी प्रिकॉशन ली जाती हैं, सेपरेट कॉर्नर होते हैं जहाँ पे पेशेंट सिम्टम इस तरह के जिसके सिम्टम हों उनको सेपरेट रखा जाता है, टेस्ट करे जाते हैं, पर कोई ऐसी इसमें पर एक प्रिकॉशन ज़रूर रखिए जो हम बार बार ये चीज़ आती है कि मास्क पहन के जाइए, अगर आप हॉस्पिटल में गए हैं तो मास्क पहन के रखिए, मास्क ना उतारिए, और कोशिश करिए कि जो दूसरा मरीज बैठा है उससे और आपका 2 गज का डिफरेंस जरूर होना चाहिए, डिस्टेंस पे बैठिए। और हॉस्पिटल में सभी में इस तरह की फैसिलिटी करी गई है, अगर उसको 3 चेयर हैं और बीच में लिखा होता है इस पर ना बैठिए, वो काटा डालना होता, तो ये प्रिकॉशन अगर आप लेंगे। और दूसरा कोई सरफेस टच ना करिए, अगर आप टच करते हैं तो अपने हैंड वॉश करिए, थोड़ा ग्लव्स पहन के जा सकते हैं, तो ऐसी कोई इशू नहीं है, आप हॉस्पिटल जा जाते हैं, हॉस्पिटलों में पूरी प्रिकॉशन ली जाती है आजकल ताकि इस तरह की चीज़ बचाई जाए। हाँ अगर आपका रूटीन फॉलोअप है, आप टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो भी आपको जो आजकल कॉमन एक वे हो गया है उस तरह अपने डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करिए। हाँ अगर वो कहते हैं कि आना ज़रूरी है, कोई ऐसा टेस्ट करना ज़रूरी है, तो आप जा सकते हैं, कोई इसमें बट ये प्रिकॉशन रखिए, मास्क की, सोशल डिस्टेंस की, सरफेस में ज़्यादा टच करिए, और टच करते हैं तो अपना हैंड वॉश करिए। फिर किसी ने कहा कि देखिए सेकंड वेव का इशू है, भी आ सकती है, दिल्ली में क्या हाल हो रहा है, तो हम क्या ऐसे प्रिकॉशन ले रहे हैं जिससे कि थोड़ा हमें, हम अपने आप को पंजाब क्या स्टेप ले रहा है तो उस सेकेंड वेव से बचाया जाए, और अगर कोई ऐसी नंबर बढ़ता भी है तो क्या हम ऐसे तरीके गवर्नमेंट अडॉप्ट कर रही है ताकि पेशेंट्स को जल्दी पकड़ा जाए, उसका इलाज हो और सीरियस होने से बचाया जाए। देखिए ये जो हम पहले भी कह चुके हैं, जो ये रिलैक्सेशन हुई हैं, अब सिनेमा हॉल भी चल रहे हैं, कॉलेज भी शुरू हो गए हैं, मार्केट में फेस्टिवल सीजन की वजह से बहुत रश रहता है, लोग बहुत जाते हैं, तो थोड़ा डर है कि ये बीमारी फैलेगी, और जहाँ भी ये कंजेशन होती है, जहाँ भी लोग ये थोड़ा इकट्ठे होंगे तो इसका फैलने का बहुत चांस होता है, तो ये पूरा डर है कि ये सेकेंड वेव पंजाब में आए आ सकती है। कुछ दिनों से तो केसेस का नंबर जो 500 से कम हो गया था, अब 700-800 होना शुरू हो गया, तो क्या प्रिकॉशन ले जा रहे हैं इसमें, तो भी श्योर के अब इससे लोगों को बचाया जाए। देखो एक तो ये है कि जो टेस्ट हैं, आप 25,000 प्लस 30,000 टेस्ट हो रहे हैं, जहाँ भी किसी को सिम्टम है उसका टेस्ट होता है, उसके टेस्ट होने से कोशिश ये होती है कि उसके कॉन्टेक्ट क्या है, एटलीस्ट 10 लोग जो उसके कॉन्टेक्ट में आए उन सबका टेस्ट हो, बिकॉज यही तरीका है कि आप पेशेंट को अर्ली पकड़ सकते हैं, बिकॉज जैसे पहले भी ये एम्फेसाइज किया गया है कि 80-85% को कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, तो मे बी उनको सिम्टम भी ना हो, पर अगर उसका कांटेक्ट हुआ है, अगर हम टेस्ट कर लेंगे तो, और टेस्ट भी उसको 5 दिन कांटेक्ट के 5-7 डेज के अंदर करना चाहिए, ताकि वो उसी टाइम पे चांसेस हैं कि उसको तकलीफ हो सकती है, तो ये कांटेक्ट ट्रेसिंग, ये टेस्ट करना, ये सारा बहुत कोशिश चल रही है, और रूटीन टेस्टिंग ऑल्सो, जैसे जहाँ पे भी जैसे कॉलेजेस हैं, ऑफिसेज हैं, उनमें रूटीन टेस्ट हो रहे हैं, सो दैट टू मेक श्योर अगर किसी को ये तकलीफ है उसको जल्दी आइसोलेट किया जाए ताकि दूसरों को स्प्रेड ना हो। सो एक और भी इतिहास है, एक देयर इज़ ए सम काइंड ऑफ ए
मैकेनिज्म विच हैज बीन डेवलप्ड बाय द आईआईटी मद्रास, तो उससे ये पता लगता है कि कहीं कहाँ थोड़ा बहुत एक आध पेशेंट है फोकस हो सकता है, उसको जल्दी फिर उस इंडिकेशन से वहाँ जाके उनके टेस्ट किए जाते हैं, उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करी जाती है। सो ये तरीके अडॉप्ट कर रही है गवर्नमेंट पूरे, सो दैट जितने भी केसेस हैं वो जल्दी पिक करें, हम नंबर ऑफ टेस्ट भी पूरे करें, उनको बढ़ाएं और कोशिश करें कि अगर किसी को तकलीफ है उसका पिक जल्दी हो जाए, सो दैट ही कैन बी आइसोलेटेड। एंड आज जैसे आपको पता है होम आइसोलेशन आजकल इनक्रेज किया गया है, अगर कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं है घर पर रहिए, और आपको एक किट मिलती है जिसमें सब दवाइयाँ होती हैं, और दवाइयाँ का जो भी एविडेंस बेस्ड जो लिटरेचर में कहता है हाँ इस दवाई से कुछ फायदा हो सकता है, वो सारा कुछ उसमें कवर किया जाता है। यही कहा जाता है होम आइसोलेशन वाले पेशेंट की मॉनिटरिंग होती है, उनको अपना टेम्परेचर देखने के लिए, ऑक्सीजन सेचुरेशन देखने के लिए प्रोब दिया जाता है। सो ये ऑल प्रिकॉशन है ताकि हम में आ रहा है, एक तो ये अर्ली तो पेशेंट्स को हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको तकलीफ हो टेस्ट कराइए जल्दी, ताकि बीमारी जल्दी पता लगे। और जो पहले पीरियड है, जैसे मैंने कहा कि पहले 3 से 7-8 दिन का जो पीरियड होता है थोड़ा क्रूशल होता है, उस टाइम में आपको तकलीफ बढ़ सकती है, तो कोशिश यही करी जाती है कि जब जल्दी पकड़ा ताकि उस टाइम आपका प्रॉपर इलाज हो जाए, तो सीरियस कॉम्प्लिकेशन ना। और कई हेल्थ फैसिलिटी जहाँ डिस्ट्रिक्ट्स में, हमारे कुछ ऐसे 5-4 डिस्ट्रिक्ट्स थे जहाँ पे थोड़ा डेथ ज़्यादा हुई है, तो वो रीज़न ये था कि थोड़ा वहाँ पे प्राइवेट फैसिलिटीज भी कम हैं, गवर्नमेंट के कॉलेजेस नहीं हैं उस एरिया में। तो फिर हम अभी उन जो लेवल 2 फैसिलिटीज़ हैं उनको हम बहुत स्ट्रेंथन कर रहे हैं। आपने देखा होगा 400-500 डॉक्टरों की रिक्रूटमेंट मेडिकल ऑफिसर की हुई है, स्पेशलिस्ट की एवरी मंथ इंटरव्यूज हो रही हैं, स्पेशलिस्ट की रिक्रूटमेंट हो रही है, और बहुत लोगों ने ज्वाइन किया। ये ज़रूर है कि कुछ डिपार्टमेंट में अभी भी कोई पोजिशंस खाली हैं, पर वो फिर एडवर्टाइज होती हैं ताकि हम जो भी स्पेशलिस्ट इसमें आ सकते हैं तो हम उनको जल्दी लेके, हमें मैन पावर की ज़रूरत है, नर्सेज की ज़रूरत है, टेक्निकल स्टाफ की ज़रूरत है। एंड ये सारी भर्ती जो है पिछले 3-4 महीनों में पूरी तरह भर्ती हुई है, और जहाँ जहाँ ज़रूरत डॉक्टरों की नर्सेज की ज़्यादा है वो सेंक्शन हुई है। ऐसी मेडिकल कॉलेजों में स्पेशलिस्ट की, ताकि कई बार होता है किडनी स्पेशलिस्ट चाहिए, हार्ट स्पेशलिस्ट चाहिए, कई उनको कॉम्प्लिकेशन होती है, वो सारी उस तरह की भी स्पेशलिस्ट की रिक्रूटमेंट हुई है, एंड ये लोग वहाँ ज्वाइन कर रहे हैं। सो ये एफर्ट चल रही है कि हम कोशिश करें अगर किसी को पहले डायग्नोस जल्दी किया जाए, उसका प्रॉपर केयर हो, अगर किसी को कॉम्प्लिकेशन होती है तो हॉस्पिटल में अगर जाना है तो हॉस्पिटल में केयर उसकी प्रॉपर हो। ये सारी एफर्ट और ये थोड़ा और पिछले 4-6 हफ्तों में और स्ट्रेंथन किया गया है, और प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ भी हम इन टच हैं, उनसे रेगुलर डिस्कशन होती हैं कि कैसे कैसे इलाज करना है, क्या क्या दवाइयाँ हैं, क्या क्या नई चीज़ें आ रही हैं जिससे हम पेशेंट को उस तरह ट्रीट करने से इसके सीरियसनेस से बचा सकते हैं। और एक जो पहले भी ये इशू आपके सामने आए हैं, हम लोगों ने बहुत इसके बारे में आपको थोड़ा ज्ञान देने की कोशिश करी है कि जिन लोगों को कोमॉर्बिड सिचुएशन होती है, जहाँ बुजुर्ग हैं घर पे, किसी को शुगर है की बीमारी है, किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, लिवर की बीमारी है, तो उनका ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो घर पे भी मैं कहूँगा ऐसे जो हैं उनको कहा जाए कि आप घर पे भी मास्क पहन के रखिए, ये जो क्लोथ मास्क है आप 2 लेयर पहन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती सांस लेने में भी, ताकि घर में कोई आपको मिलने भी आता है तो अगर किसी को तकलीफ है उसको नहीं पता, पर अगर आपने मास्क पहना हुआ है तो आप बच सकते हैं। और ये भी है कि अगर मास्क में किसी को होती भी तकलीफ पहने पहने, वो बड़ी माइल्ड होती है, वो सीरियस नहीं होती। इसीलिए है कि जिस कंट्रीज़ में जैसे जो जो ज़्यादा मास्क यूज़ करते हैं उनमें बीमारी ने इतना तंग नहीं किया, इतनी डेथ नहीं हुई है। तो घर में ये प्रिकॉशन लीजिए, तो यही। और जैसे
सोसाइटी ने अपनी प्रिकॉशन जरूरी है। देखो जो जो तीन चार चीज़ें हैं, मास्क का, हाथ साफ रखने का और फिजिकल डिस्टेंस रखने का, ये जरूरी है। टेस्टिंग जरूरी है, अगर ज़रूरत है उसके टेस्ट की वो जल्दी हो, और आजकल कोई ऐसी इशू नहीं है। टेस्टिंग वैन्स हैं, हॉस्पिटल हैं, डिफरेंट कॉर्नर्स सिटीज़ में बनाए गए हैं जहाँ पे है कि हाँ आप टेस्ट करा सकते हैं, बिल्कुल फ्री टेस्ट है। और इलाज के लिए गवर्नमेंट में, अगर प्राइवेट भी जाते हैं, गवर्नमेंट ने उनकी जो रेट्स हैं और सीलिंग रखी हुई है, इससे ज़्यादा आपसे चार्ज नहीं कर सकते। सो ये पिछले चार छः पाँच छः हफ्ते में जो हमें थोड़ा केसेस कम थे, अपनी हेल्थ सर्विस को गवर्नमेंट ने और स्ट्रेंथन किया है, टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को और बढ़ाया है, ताकि हम सेकेंड वेव अगर आती भी है, पहले तो उससे हम अपने आप सोसाइटी को, सब लोगों को बचा सकें। अगर परचेंस आती भी है तो फिर हम जो भी सिक पेशेंट होते हैं उनका प्रॉपर केयर हो, प्रॉपर इलाज हो। तो देखिए आई थिंक ये मौसम भी ठंडा हो रहा है, लोग अंदर रहेंगे जहाँ फैलने का थोड़ा चांस होता है, तो घर पे भी आप, मैं तो कहूँगा घर पे भी आप दो चार लोग हो तो घर पे भी मास्क पहन के रखिए, खाने के टाइम थोड़ा सा अपने डिस्टेंस पे बैठिए, या एक जना पहले खा ले दूसरा बाद में खा ले, यही प्रिकॉशन है इस बीमारी से बचने के लिए, जब तक कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट इसका नहीं आ जाता, या वैक्सीन जो अब चल रही है, पर 6 महीने तो लगेंगे इसको आने में हम अपने यहाँ, तो तब तक हमें ये प्रिकॉशन लेने से हम अपने आप को इससे बचा सकते हैं। पहले इन शब्दों से मैं आपसे फिर आज्ञा लेता हूँ, और जो भी आपके मन में सवाल आते हैं आप पूछिए, भेजिए हमें, हम आपके सब सवालों का कोशिश करेंगे पूरी तरह जवाब दिया जाए, ताकि हम सब लोग इस बीमारी से अपने आप को बचा सकें, अपने को बचा सकें, रिश्तेदारों को बचा सकें, दोस्तों को बचा सकें, ताकि कोई इस बीमारी से सफर ना करे। बहुत बहुत शुक्रिया, सत श्री अकाल।